नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज 25 दिसंबर है, बुधवार का दिन है। राहु काल का समय रहेगा 12:26 से लेकर के 1:42 तक का। इसके अलावा मार्स का ट्रांजिट भी आज हो रहा है, और साथ ही में आज सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी लग जाएगा शाम को 5:31 से। जी हाँ, कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहने वाला है, यानी कि 26 दिसंबर को। लेकिन उसका सूतक जो है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, तो इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी आज शाम को 5:31 पर लग जाएगा। 5:31 के बाद से आप लोग किसी भी तरह की पूजा पाठ, मंत्र जाप किया जा सकता है, ध्यान किया जा सकता है, लेकिन पूजा पाठ मूर्ति पूजन इस समय पर नहीं किया जाएगा। खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाएगा। इसके अलावा आप कोशिश कीजिएगा वृद्ध को छोड़ करके, इसके अलावा बच्चों को छोड़ करके, या प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको मेडिसिन लेनी है, जिन जो प्रेग्नेंट हैं उनको छोड़ करके इस अवधि में, सूतक काल की अवधि में कोशिश कीजिए खाना पीना आप लोग अवॉइड करें। तो चलिए हम बात करेंगे आज के दिन में मार्स ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली, यानी कि मंगल का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है, इसके अकॉर्डिंगली ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा आप सबके लिए। राशि अनुसार बात करेंगे, कार्ड्स की भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ में हम गोचर के अनुसार भी बात करेंगे। आपकी राशि से कौन से गोचर में, कौन से भाव में वो गोचर कर रहा है, तो बता दूं आपको, तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहा है मंगल, और ये लगभग 8 फरवरी तक इसी राशि में रहने वाला है। हम अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण कल लगेगा 8:04 से लगेगा, और इसका जो मेन टाइमिंग रहेगा वो 9:26 से रहेगा लगभग 10:57 तक का। ये कुल अवधि रहेगी 3:12 की, लेकिन सूतक काल जो है वो आज शाम को लग जाएगा। तो चलिए बात करते हैं राशियों की, और बात करते हैं मार्स ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एरीज कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए 2 of Wands एंड 5 of Swords, और अगर हम बात करें आपके लिए ये ट्रांजिट कौन से भाव में गोचर कर रहा है, तो ये मंगल जो है, मंगल आपके लिए 7वें भाव में, सप्तम भाव में गोचर करेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का भाव जो है वो माना जाता है, और जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए कहीं ना कहीं पे दिखाता है कि ये पार्टनरशिप्स को दिखाता है आपके लिए, किसी भी तरह की किसी के साथ जुड़ाव को दिखाता है ये। जीवन साथी के साथ स्वभाव हो सकता है आपका थोड़ा सा गुस्सैल हो जाए, आप बातचीत करने के दौरान अपने बातचीत पर, अपनी वाणी पर काबू नहीं रख पाएं, इस दौरान थोड़ा सा चिड़चिड़ा, थोड़ा सा एंग्जाइटीज बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक बैलेंस आप ज़रूर बनाएं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि इस टाइमिंग में हो सकता है कामकाज का बर्डन भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। एरीज के लिए इस अवधि में, क्योंकि पैसों को लेकर के जो चिंताएं थी वो खत्म हो रही हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स आपके बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए अवधि बहुत अच्छी रहेगी, और ख़ासतौर पे जो लोग आर्मी से, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी टाइमिंग बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो मेन इश्यूज़ हैं वो आपके लिए कंपैटिबिलिटी को लेकर के, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पार्ट को लेकर के, और ख़ासतौर पर बोलचाल को लेकर के आ सकते हैं। उपाय आपको ये करना है इस अवधि में, हो सके तो आप लोग शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चा दूध ज़रूर अर्पित करें, और आज के दिन में आपको गणपति जी की पूजा करनी है। चलिए बात करते हैं टॉरेंस की। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं 10 of Cups एंड किंग ऑफ वॉन्स, आप लोगों के लिए 6वें भाव में गोचर करेगा, और 6th हाउस में कहीं ना कहीं पर आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है। इस अवधि में आपके जो लोग ऐसे हैं जो कि अननेसेसरी आपको परेशान कर रहे थे, आपके कामकाज में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस कर रहे थे, वो लोग आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों से भी छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ये अवधि खर्चे को बढ़ा सकती है, आपके आय से ज़्यादा आपका व्यय हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा खर्चे को कम कीजिए। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं इस अवधि में, उसको कोशिश करें उसकी खरीदारी आप लोग ना करें। इस टाइम पीरियड में जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा समय के लिए इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग ट्रैवलिंग्स के लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। उपाय ये करेंगे आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में, लाल चीज़ों का दान करना अच्छा रहेगा, और हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल पुष्प ज़रूर अर्पित कीजिए। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज की। 5 of Cups एंड 10 of Swords कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए, 5th हाउस में गोचर रहेगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके गुस्से को बढ़ा सकता है, क्योंकि 5th हाउस में जो माना जाता है आपके एजुकेशन का भाव माना जाता है, आपके लिए रिलेशनशिप्स का भाव माना जाता है, और ख़ासतौर पर इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप सोच रहे थे कि आप बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाएगा।
हालांकि इस अवधि में अपने बच्चों के साथ तालमेल बना करके चले, उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के अनबन उठ सकती है। इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप्स के खराब होने का खतरा भी हो सकता है। तो मंगल का ये ट्रांजिट, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि तत्व का कारक माना जाता है, मंगल जो है वो खासतौर पर गुस्से का कारक भी माना जाता है, एक आक्रामक ग्रह है, तो इसलिए फिफ्थ हाउस में आ जाना कहीं ना कहीं पर रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब कर सकता है। उपाय ये करना है, आप लोगों को जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे इस अवधि में ब्रह्म मुहूर्त में, और जो महिलाएं हैं वो लोग हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा आज के दिन की बात करी जाए तो आज सतनाजा सात अनाज को मिलाकर के आप दान जरूर कीजिए किसी नीडी पर्सन। कर्क राशि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है, आप लोगों के लिए चौथे भाव में गोचर होने जा रहा है और फोर्थ हाउस में कहीं ना कहीं पर आपके माता के स्वास्थ्य पर इफेक्ट जरूर करेगा। उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में, लेकिन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो नए कार्य शुरू होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। ये गोचर आपकी संपत्ति में इजाफा कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी में भी, नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचे, नया कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कर्क राशि वालों को बिना वजह की एंग्जाइटीज़ हो सकता है, लगी रह सकते हैं काम के बर्डन की वजह से। आप लोगों के लिए उपाय छोटा सा रहेगा, इस अवधि में कपड़ों का दान ज़रूर कीजिए, क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ दान जरूर कीजिए। सिंह राशि की बात करते हैं, सेवन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए, थर्ड हाउस में गोचर रहेगा, ये काम ये समय जो रहेगा आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करेगा। हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से बातचीत ना करें, आप किसी से पूछें नहीं, किसी से सलाह मशवरा नहीं लें और खुद से डिसीजंस लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ ज़रूर होगा, यानी कि सिबलिंग से प्रॉफिट हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपके शत्रु जो है आपके सामने आने से कतराएंगे, तो कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर। हो सके तो रोज़ या सैंडलवुड एसेंस का प्रयोग ज़रूर करें अपने घर के साउथ डायरेक्शन में और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि सेवन ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है, रिवर्स कार्ड है आप लोगों के लिए। टाइम पीरियड जो है सेकेंड हाउस में गोचर करेगा मंगल आपकी राशि से, और अगर देखा जाए तो इस अवधि में वाणी में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से पर्सनल रिलेशनशिप्स में असर ज़रूर पड़ेगा। आपके घर परिवार के जो झगड़े हैं या जो वाद विवाद हैं वो इस अवधि में बढ़ सकते हैं। इस दौरान खास तौर पे कन्या राशि वालों के लिए बेहतर स्थिति ये रहेगी कि जो लोग व्यापार करते हैं व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, जॉब जो करते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे इस अवधि में चेंजेस हो सकते हैं, किसी तरह का बदलाव आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल रहेगी। बट द मेन थिंग इज़ आपके लिए घर परिवार की स्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं आपके स्वभाव की वजह से। हो सके तो लाल चंदन अपने माथे पर ज़रूर लगाएं दिन की शुरुआत करते समय। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में हो सके तो आप लोग डोनेशन ज़रूर दें किसी भी गौशाला में, या जो नीडी लोग हैं उन लोगों को इस अवधि में डोनेशन ज़रूर दें। चलिए बात करते हैं तुला राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द वर्ल्ड एंड टू ऑफ कप्स। इस अवधि में अगर देखा जाए तो अगर राशि के अनुसार देखें तो आपके लिए पार्टनरशिप्स जो हैं वो बेहतर बनती हुई नज़र आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सरकारी पक्ष से लाभ हो सकता है और ख़ास तौर पर कोई नया इनकम सोर्स आपकी लाइफ में अडप हो सकता है। तो लिब्रंस के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे आप लोगों के लिए इस अवधि में, मंगलवार के दिन आप लोग हनुमान जी को रोट का भोग जरूर लगाएगा और आज के दिन में आपको राम रक्षा स्रोत का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियोज की, कार्ड निकल रहे हैं आपके लिए एट ऑफ वॉन्स एंड द टेम्परेंस, और आपके लिए ही क्योंकि आप ही की राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो आपके लग्न को प्रभावित करेगा। इस टाइम पीरियड में खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कहीं ना कहीं पर आप चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करेंगे और उन चीज़ों को संभाल लेंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, इनफैक्ट समाज में भी आपकी जो मान सम्मान है वो मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आर्मी से जुड़े हुए लोग या डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों के लिए खासतौर पे पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें पार्टनर्स की सलाह मशवरा ध्यान में रख कर के ही आपको डील्स फाइनलाइज करनी चाहिए। खासतौर पे फाइनेंशियल पार्ट जो है आपका वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। उपाय ये करना है, आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धनु राशि क्वीन ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके लिए ट्वेल्थ हाउस प्रभावित होगा तो कोई ना कोई फेवरेबल आउटकम ज़रूर निकलेगा, क्योंकि जितनी आपने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड एक ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ फेवरेबल आउटकम ज़रूर मिले। लेकिन अगर इस समय के बीच में आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कोई प्लानिंग्स करते हैं या किसी के साथ कोई पार्टनरशिप्स करते हैं तो उसमें आपको ऐसा कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ज़रूरी है
के इस टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंटेशंस करने से बचें। अगर बात करें ट्रैवलिंग की, तो इस दौरान ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, व्यापार के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि। द सन एंड एस ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए, 11th हाउस प्रभावित होगा, तो इसलिए ये टाइम पीरियड कुछ ना कुछ लाभ आपको ज़रूर देकर के जाएगा। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति नज़र आ रही है, आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता आएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे आपके मान सम्मान को एक तरह से बैलेंस करके रखेगी। इस टाइम पीरियड में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग आगे मेहनत कर सकते हैं, और ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स जो कि लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड में आपके लिए कुछ ना कुछ फेवरेबल आउटकम ज़रूर मिलेंगे। उपाय क्या करेंगे, मंगलवार के दिन गरीबों में खाने की सामग्री डोनेट करना अच्छा रहेगा, और आज के दिन में गणपति जी को इलायची का भोग लगाना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द फूल एंड फाइव ऑफ वांड्स। आप लोगों के लिए जो ट्रांजिट रहेगा, ये अवधि कहीं ना कहीं पे आपके लिए लाभ दिलवाने में आपको सहायक रहेगी। इस टाइम पीरियड में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देंगे। ट्रैवलिंग का योग बन सकता है, लेकिन किसी कार्य की नई शुरुआत करना भी इस अवधि में आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा, और कोशिश करनी है इस अवधि में लाल चीज़ों का दान, लाल कपड़े में बांध करके मसूर की दाल का दान आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि, द मून एंड सिक्स ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। मीन राशि वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट थोड़ा सा इम्बैलेंस लेकर के आ सकता है, क्योंकि जो स्थिति पहले चल रही थी उससे थोड़ी सी और ज़्यादा वेरिएबिलिटी आप लोगों के लिए बढ़ेगी इनिशियल 15 डेज में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 8 फरवरी तक अगला ट्रांजिट होगा मार्स का, तो लगभग अगर बात करें 15 जनवरी तक चीज़ें आपके लिए स्टेबल हो जाएंगी। इस दौरान स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, और ख़ासतौर पर जो लोग व्यापारी हैं या फैब्रिकेशन का कुछ काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के दिन में आप लोग उपाय ये कर सकते हैं, आज संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना आपके लिए अच्छा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक।